राक्षस से विरोधियों को परस्त करने वाले, बेबाकी से हर चीज पे बयान देने वाले, एक हिंदूवादी चेहरा हमेशा माथे पर तिलक रहता है और बेबाकी से हिंदू पक्ष का तो रखते ही हैं, साथ ही साथ विरोधियों को अपने बयानों से परस्त करते हैं। होम मिनिस्ट्री संभाल चुके हैं पिछली सरकार में। नरोत्तम मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत कीजिए। बहुत धन्यवाद। चुनाव नहीं लड़ रहे हैं पर चुनाव लड़वा रहे हैं, आखिर कैसी तैयारी 19 के मिशन पे जो आप निकले? संगठन ने जिम्मेदारी दी है, जो जिम्मेदारी संगठन दे उसको मनसा वाचा करना ठीक निभाना, ये मेरा स्वभाव है। मैं अपना काम करता हूँ, अब कांग्रेस को मिर्ची लगे तो मैं क्या करूँ, पार्टी जो जिम्मेदारी देती है वो करते हैं। आपका एक बयान बहुत चर्चा में था विधानसभा चुनाव के समय कि जीते हुए से ज्यादा हारे हुए की चर्चा हो रही। चर्चा थी इसलिए मैंने वो शायरी है, वो चर्चाओं में आप हमेशा बने रहते हैं। अच्छा, शायरी है क्योंकि दूसरे ही दिन चुनाव परिणाम के दूसरे दिन था तो इसलिए मैंने वो बयान दिया था। लगातार ये कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में आपके नेता, कार्यकर्ता, बड़े बड़े दिग्गज सभी कह रहे हैं, आप भी जैसे जिक्र कर रहे हैं बार बार, कि बड़ी संख्या में कांग्रेसी जो हैं बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बड़ी संख्या में। आखिर कांग्रेस ये कह रही है कि आप 3 को ज्वाइन कराते हैं तो 300 बोलते हैं, इसे किस तरह से देखते हैं आप? अगर वो इस मुगालते में रह के पार्टी को रसातल की ओर ले जा रहे हैं तो इसमें हमारी दोष नहीं। जब 28 विधायक टूट के कांग्रेस छोड़ के गए, सरकार गिरी तो कहने लगे बिछ गए हैं, जनता जवाब देगी, बिछी हुई सरकार। 28 उपचुनाव का परिणाम भी आ गया, समझ में नहीं आई। राष्ट्रपति चुनाव में 19 ने क्रॉस वोटिंग कर दी, तब भी ऐसे ही जवाब दिया, समझ में नहीं आई। आज जितने लोग वो कहते हैं उतनी तो गाड़ियां एक समर्थक लेके आता है, तब भी अगर वो 3 कहें या 300 कहें तो मैं क्या करूं? वो ऐसा कहते रहें और भारतीय जनता पार्टी में माननीय मोदी जी के प्रति लोग आस्था व्यक्त करते रहें, राष्ट्रवाद की प्रमुख धारा में लोग आते रहें, हमारा प्रयास यही है और ये प्रयास हमारा निरंतर जारी रहेगा। चंबल के साथ पूरे मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी आप पर है, आखिर कैसी तैयारी चल रही है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता का? हम लोगों का ज़्यादा नहीं है, मोदी जी की आभा मंडल में पूरा देश दमक रहा है। भारत का जो साख विश्व के अंदर बनी है, भारत जो विश्वगुरु के बनने की ओर अग्रसर हुआ है, भारत माता के भाल को जो विश्व में मोदी जी ने गौरवान्वित किया है, ये पूरा देश देख रहा है। आज कभी हमारे देश के फैसले विदेशों में निपटा करते थे, 2G की अध्यक्षता जब उन्होंने की 20 की, तो विश्व के फैसले भारत की धरती पर निपटे देखा। कतर में फांसी होने के बाद लोग लौट के आ गए, विश्व ने देखा। ईरान इराक युद्ध पर इसी महीने लोग पकड़े गए और वहाँ के प्रधानमंत्री सकुशल छोड़ते हैं, पूरे विश्व ने देखा। रूस यूक्रेन के युद्ध में हमारे बच्चे फंसे और पढ़ने वाले सकुशल वापस आ गए, पूरे विश्व ने देखा, पूरे भारत ने देखा और भारत के जनमानस ने देखा कि ये तिरंगे की साख होती है, ये नेता की धाक होती है, ये देश का सम्मान होता है, देखा। और इसलिए सब प्रभावित माननीय मोदी जी से हैं और 29 की 29 जीत रहे। आप कहते हैं कि कांग्रेस की ना नीति है ना नियति है, कांग्रेस देश को खत्म करना चाहती है। उधर पीएम मोदी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, उसे चांस मिलता है तो सब कुछ बेच देगी कांग्रेस। आखिर नहीं, हम जो कह रहे हैं उस बात को माननीय मोदी जी कह रहे हैं ऐसे मत लीजिए, पक्ष विपक्ष से मत लीजिए। सेम पपोदा ने कल कहा, उनने कहा राशिद अलवी जी ने स्पष्ट के सबसे ज्यादा पिछड़े मुसलमान है तो मुसलमानों को ये मिलना चाहिए हक। मैंने नहीं कहा, कांग्रेस के नेता ने कहा, सेम त्रिपोदा जी ने कहा, हमने नहीं कहा, उनने विदेश में बैठ के आप सबने भी उनकी बात सुनी। वही बात जो वो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं वही मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं तो मिर्ची क्यों लगती है? नहीं लगना चाहिए, आपके बयानों में स्पष्ट है, खुद राहुल गांधी जी बोले हैं स्क्रीनिंग कराने की, सबकी संपत्तियों की कराने की और बांटने की। तो क्या रोहिंग्याओं में बांटोगे, कहाँ बांटोगे? आप भ्रम पैदा क्यों कर रहे हो? पहले आप ऐसा कर चुके हो, पहले आपके मनमोहन सिंह जी बोल चुके हैं कि मुसलमानों का पहला हक है। तो आखिर ये इस तरह की बातें इन्हीं की ओर से क्यों आती हैं और कहा हमसे जाता है कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? कर तो आप रहे हो ना, शुरुआत कौन करता है? सेम प्रबुद्धा जी आपके है ना, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसके अध्यक्ष आपके हैं, राशिद अलवी जी आपके हैं ना, हमारे थोड़ी हैं, राहुल गांधी जी आपके हैं ना, कांग्रेस के, आपने शुरुआत की है, हम जवाब भी नहीं दें डेमोक्रेसी में, ये तो ठीक नहीं है। खड़गे साहब कह रहे हैं कि आप इतने आरोप लगाते हैं,
आखिर जो आप कहते हैं कि कांग्रेस ने विदेशों में पैसा इकट्ठा करके रखा है इतना सारा, तो आखिर लाते क्यों नहीं है मोदी जी, देते क्यों नहीं? 15-15 लाख का दावा किया था, कहाँ गए वो बात? भाई देखिए, ये दावा सिर्फ कांग्रेस कर रही है, मोदी जी ने कभी किया हो तो आप अपने उस पर चला दो चैनल पे। भाई जैसे हमारे घोषणा पत्र में हर चीज होती है, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 2 लाख का कर्जा माफ, ये लिखित में झूठ बोला था, एक का भी 2 लाख माफ नहीं किया। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता 4,000 देंगे, लिखित में कहा, एक को भी नहीं दिया। तो ये ऐसा हमारा दिखाओ ना आप, कहीं कहीं बोलते हुए का सुनाइए आप। ये झूठ जो बोलने की एक संस्कृति है कांग्रेस की, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, ये जो कांग्रेस की रीति नीति है इसको देश समझ गया है, और यही कारण है कि 10 साल में आज तक विपक्ष का नेता नहीं बन पाया कांग्रेस का। प्रियंका गांधी कह रही है कि मेरी माँ ने मंगलसूत्र दे दिया देश के लिए, और मोदी जी कह रहे हैं कि हम माताओं का, जब ये ऐसा बोले तो जरा मंगलसूत्र दिखा भी देती वो, उनकी माताश्री और वो, उनको महत्व तो समझ में आता कि मंगलसूत्र क्या है। जब कश्मीर के लोगों का कत्लेआम किया गया, जब सिखों का नरसंहार किया गया, और वो विधवाएं बताती हैं उनको कि कैसा होता है, विभाजन की रेखा जिनने खींची, जिस परिवार ने खींची, जो आगे ये देखते हैं वो 10 लाख लोग मार दिए गए, उनका मंगलसूत्र। और उस समय कभी बोली होती ना, प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया तो मंगलसूत्र की याद आ गई, और इसके लिए याद आ गई, कहती हैं कि मेरे पिता ने, पिता का मंगलसूत्र, अरे भाई वो काय पे गया था और किसने लिया था, जिसको आपने माफ कर दिया? अगर वो मंगलसूत्र की बात थी तो माफ कैसे कर दिया आपने उसे? आप रोहिंग्यू की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी कह रही है घुसपैठिए हैं जो मुसलमान हैं, आखिर ये कैसे कह सकती हैं? और अगर इतनी बीजेपी सपोर्ट करती है या मुसलमान के लिए करती है, सोचती है, तो आखिर खुल के क्यों नहीं बोलती? खुल के बोल रहे हैं ना आपको, चुनाव में क्यों नहीं? ये घुसपैठियों को, घुसपैठियों के खिलाफ हम ही खुल के बोल रहे हैं, अभी आपके सामने मैं बोल रहा हूँ कि ये घुसपैठियों ने देश को नुकसान कर दिया। खुलकर सपोर्ट क्यों नहीं करती बीजेपी? किसको हम कर रहे हैं? मुसलमानों को जो हिंदुस्तान में रहते हैं। नहीं, कहाँ नहीं कर रहे हैं भाई, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं। पसमानदाओं के बारे में माननीय मोदी जी ने खुल के ही तो समर्थन किया पसमानदा का, लेकिन हम रोहिंग्या का विरोध करेंगे। जो भारत में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा, हम उसका विरोध करेंगे। हम आतंकवाद की हर घटना का विरोध करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इस देश में रहें और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं। हम इस तरह की इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश में आतंकवादी गतिविधियों को भारतीय जनता पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। चलिए, तो आरोप प्रत्यारोप हैं। एक और सवाल यहाँ पर कि 29 सीटों का लक्ष्य रखा गया है, 400 पार का नारा है, आखिर ये 29 सीटों का जो सोच कर चल रहे हैं आप, टाइट फाइट भी दिख रही है, वोट परसेंटेज भी कम हुआ है, इसे किस तरह से आप देखते हैं? नहीं नहीं, आप तय मान के चलिए कि मोदी जी के नाम पर वोट गिर रहा है। लीड कम हो सकती है या मतदान कम होगा, पर ऐसा थोड़ी है कि हम हार जाएंगे, हारने की कोई संभावना नहीं है। स्पष्ट क्लीन स्वीप हो रही है, 29 सीट जीत रहे। हारने की संभावना नहीं है, पर कांग्रेस ही कह रही है कि हमारी भी अच्छी खासी सीट आने वाली है। ऐसे ही इनने विधानसभा में कहा था कांग्रेस की, आप विधानसभा के, पिछले लोकसभा के, आप इनके बोलने की कुछ क्लिपिंग चलाइए, एक बार नया प्रोग्राम करिए, सेम बात। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है, महंगाई, यही विधानसभा में बोला था इनने, यही पिछले लोकसभा में बोला था, ये उसके पिछली भी लोकसभा में इनने यही बोला, सेम रिपीट, वही कैसेट फंसी हुई है एक ही जगह पे, रिकॉर्ड प्लेयर की सुई बार बार सरक के वहीं आती है। ये कोई मुद्दे ला नहीं सकते हैं, जनता इनकी बातों को समझ गई है कि ये कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है। बातचीत हमारी आगे भी जारी रहेगी, कुछ और बातें पर बाहर चल। सर, लंबा अनुभव आपको है, लंबे समय से सरकार में हैं, बड़े बड़े पद संभाल चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, आखिर आगे क्या सोचते हैं, कैसी जिम्मेदारी पार्टी की ओर से मिल सकती है या कैसी उम्मीदें आप लगाए हुए हैं? देखिए, मैं अब काम करना चाहता हूं, पार्टी ने बहुत दे दिया, 30-32 साल विधायक रह लिए, 16-18 साल मंत्री रह लिए, पार्टी ने जितना देना था उससे ज़्यादा दे दिया, अब पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, जिम्मेदारी मतलब पद नहीं चाहते हैं, काम चाहते हैं। कौन सा फैक्टर इस बार चुनावों में काम कर रहा है? राम मंदिर का फैक्टर काम कर रहा है, मोदी फैक्टर काम कर रहा है, या खुद जो नेता हैं जमीन पर प्रत्याशी उतारे गए उनका काम काम कर रहा है? मोदी फैक्टर काम कर रहा है, मोदी जी का विकास काम कर रहा है, राष्ट्र की धारा काम कर रही है। मोदी जी ने जो काम किए हैं गाँव गरीब किसान के लिए, झुग्गी झोंपड़ी के इंसान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, वो फैक्टर काम कर रहा है। आप किस तरह से देखते हैं
राम मंदिर में जिस तरह से कांग्रेस नहीं आई और फिर लगातार उस पर आरोप लगते रहे, एक ये भी बड़ा फैक्टर माने कि मुद्दा आपको बड़ा मिल गया, बीजेपी को बड़ा मुद्दा मिल गया? देखिए, हमारा मूल मुद्दा तो विकास का है और विकास में के साथ में जो भी विषय आए और जो हमारे घोषणा पत्र में थे, मोदी जी ने जो कहा सो किया, चाहे 370 का हम बचपन से कहा करते थे, यहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है, 370 आई, हम कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये लोग कहते थे कि है मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख बधाई बताई, तो कांग्रेस में लिखित में बहिष्कार किया इसका। और इसलिए अब तो जाके प्रिय न राम वैदेही, जनता कह रही है कि वाको वोट कदापि न देही, ये स्पष्ट हो गया है अब। और इसलिए तय मान के चलिए कि क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी कर रही है और अब की बार 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और 400 पार NDA गठबंधन होगा। जिस प्रकार से रात और दिन माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी लगे हुए, तो अब ये दूर नहीं है 400 पार का नारा ज़्यादा। बाकी के दलों की स्थिति भी तो देखिए आप, क्या स्थिति है। राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और जितना ED गठबंधन है, ये पूरा का पूरा ED गठबंधन फोके बल्बों की झालर जैसा है, कुछ जेल में हैं, कुछ बेल पे हैं, ये लोग कितने झूठे हैं ये भी तो देश देख रहा है। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं लोग, जब आकंठ डूबे हुए, और मोदी जी जैसा ईमानदार व्यक्ति है जिसने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया, इसलिए लोग समझ गए हैं कि मोदी जी के पूरा जीवन समर्पित है, राष्ट्र की आराधना में है उनका पूरा जीवन। ED, CBI के आरोप लगातार लगते आए हैं कि हमारी सरकार आएगी तो इन एजेंसियों को कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखा जाएगा, दुरुपयोग बीजेपी लगातार कर रही है, इसी वजह से कई सारे बड़े नेता जो हैं जेल में बंद हैं, कई सारे आरोप लग रहे हैं। अगर जेल में बंद हैं तो आपके पास में न्यायालय है, अगर कोई भी गलत किया है, एक भी गलत बचा है, एक भी गलत फंसा है, तो आप उसको मीडिया के सामने रखिए। अगर न्यायालय में नहीं रखना तो मीडिया के सामने अपनी बात रखिए ना, क्यों नहीं रखते हो आप? जेल से प्रमाणित हो रहे हैं, जेल से इनको बेल नहीं मिल रही है, इसलिए तो नहीं मिल रही है ना कि ED ने प्रमाण दिए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ED के पास पर्याप्त प्रमाण है शराब घोटाले के, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम थोड़ी कह रहे हैं, हम कहें तो लगता है भाजपा कांग्रेस वाले हैं या भाजपा और आम आदमी वाले हैं, न्यायालय ने कहा है कि पर्याप्त साक्ष्य हैं ED के पास, अब ऐसे तो नहीं देश को लुटने देंगे ना। दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री के किले को फतह करने की तैयारी में बीजेपी है, और हालांकि दिग्विजय सिंह भी पूरी तरह से जुटे हुए हैं, आप गए उनके किले पर और आखिर आप दावा कर रहे हैं कि यहाँ से बड़ी जीत हासिल होगी, कैसे, किस रणनीति के तहत? पिछली बार भी भोपाल से लड़े थे दिग्विजय सिंह जी, 3.5 लाख से हारे, और अभी भी इतने से कम नहीं हारेंगे वो। क्या उन्होंने किया क्या इस मध्य प्रदेश में? जब वो मुख्यमंत्री थे, सड़कों में गड्ढे थे या गड्ढों की सड़क थी या गड्ढम गड्ढा था, पहन ही सकते थे, बिजली कभी कभी आती थी। आज भाजपा की सरकार आ गई तो आप सड़कें देखिए कितनी अच्छी हैं। अब पहले बिजली कभी कभी आती थी, अब बिजली कभी कभी जाती है, ये परिवर्तन जनता देखती है। 15 महीने की इनकी सरकार आई थी, झूठ बोल के आ गई थी कांग्रेस की, उसमें भी बहुमत नहीं मिला था, तब भी बहुमत नहीं था, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, BSP का, सपा का, निर्दलियों का संबंध लेके, और फिर वही हुआ कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, सरकार गिर गई। आखिरी सवाल, बड़ी भूमिका आपकी पिछले विधानसभा चुनाव में रही और फिर से सत्ता में वापसी जो है बीजेपी ने की, इस वाले चुनावों में भी, लोकसभा चुनावों में बड़ी भूमिका में भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे हम, ये माने? नहीं, भूमिका तो पार्टी का काम करने का है, पार्टी ने काम दिया है, मैं कर रहा हूँ आपके सामने। दिन रात आप लगे हैं? नहीं, दिन रात तो मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी लगे हैं, BD शर्मा जी लगे, वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, हमें तो जितना पार्टी कह देती है हम उतना चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नरोत्तम मिश्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े, खास बातचीत की और बेबाकी से हर सवालों का जवाब देते आए। जैसा कि पहले मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया था, जो कटाक्ष करते हैं नरोत्तम मिश्रा जी, वो कहीं ना कहीं चुप जाता है कांग्रेस को, और बेबाकी से हर सवाल का जवाब। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना है।